पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद कांग्रेस के द्वारा वहां पर दलित समुदाय के एक व्यक्ति को जो वहां के विधायक हैं उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस जनों के द्वारा खुशियां जताई गई, साथ ही कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। क्या कुछ कहा लोगों ने, आपको सुनाते हैं। आज बड़े हर्ष की बात है, पंजाब में हमारे समाज से मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है करण सिंह जी। इसके लिए मैं और दमोह जिले की समस्त कांग्रेस पार्टी, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ पंजाब के समस्त विधायक दल एवं अमरिंदर सिंह जी और सिद्धू जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज कांग्रेस एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा दे रही है, हम चाहते हैं अन्य दल भी इसी तरह से इन वर्गों को साथ लेते हुए उनकी उपेक्षा न करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा समाज है, दलित शोषित पीड़ित बरसों से रहा है और अब अगर कांग्रेस द्वारा यह कदम उठाया गया है तो दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समाज जो है, आदिवासी समाज, वह कांग्रेस के साथ मध्य दम तक रहेगा और कांग्रेस को ही पुनः सत्ता में लाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा को लेकर चलती है कि सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलें तभी विकास संभव है। इसी के तहत पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है, आपने देखा वहाँ एक दलित वर्ग के जुझारू कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी खुशी में आज पूरे दलित समाज के संगठनों के साथ, पूरे कांग्रेस के संगठनों के साथ हम इस बात पर खुशी जाहिर करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके से सभी समाज और वर्गों को संगठन में स्थान मिलता रहेगा और उनका योगदान कांग्रेस के साथ रहेगा और देश के विकास के साथ रहेगा।